Enforcement Directorate has conducted raids at several locations in Jharkhand as well as in West Bengal as a part of an investigation into money laundering that is connected to suspected illegal infiltration of Bangladeshi nationals. The raids are taking place across 17 sites across the two neighboring states, coordinated by the Jharkhand Office of Federal Agency. The agency had, of course, in September filed a case under the Prevention of Money Laundering Act to probe an instance of alleged infiltration and trafficking of some Bangladeshi women into Jharkhand, leading to the generation of alleged slush funds. My colleague Javed Hussain with us on the broadcast to share more details. Javed, it seems that Enforcement Directorate is conducting raids in 17 locations across Jharkhand and West Bengal. में इलेक्शन से ठीक पहले जिस तरीके से केंद्रीय जांच प्रवर्तन निदेशालय की एक पूरी सर्च ऑपरेशन चल रही है और झारखंड से सटे वेस्ट बंगाल के भी कुछ लोकेशंस पे, कुल मिलाकर 17 लोकेशन है, जिसमें जानकारी के मुताबिक जो 8 से 9 लोकेशन है वो वेस्ट बंगाल का है और 8 से 8 के करीब जो है वो झारखंड के वो लोकेशन है जहां पर इस वक्त ईडी की जो है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन्होंने सेप्टेम्बर में मामला दर्ज किया था। मामला पूरा महिलाओं के घुसपैठ से, खासतौर से वो बांग्लादेशी महिला जो बांग्लादेश से एक रूट के जरिए झारखंड और वेस्ट बंगाल में लाई जा रही हैं और ये पिछले कई सालों से पूरा ट्रैफिकिंग का मामला चल रहा है जहां पर इन महिलाओं को यहां पे लाया जाता है, उसके बाद इनको यहां पे एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है और कई महिलाओं को बड़े शहरों के होटल्स और रेस्टोरेंट में वहां पर उनको काम दिलाने के नाम पर उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट की जो चीज मामले हैं वो भी सामने आए। इसको लेकर जो रांची के बड़ियातू थाने में इसी साल 2024 जून में करीब 6 जून को मामला दर्ज किया गया था, जिसको ईडी ने टेक ओवर किया है और उसके बाद इस पूरे मामले में, क्योंकि जो महिलाएं घुसपैठ तरीके से हिंदुस्तान में एक रोड मैप के जरिए, एक रूट के जरिए वेस्ट बंगाल फिर झारखंड स्पेशली लाई जाती है, इन दो स्टेट में जो अभी तक के ईडी सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन दो स्टेट में ही जो बांग्लादेश की जो महिला घुसपैठ हैं जिनको यहाँ लाया जा रहा है उनको लेकर ये पूरा जो रेड है वो सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इससे जुड़े हुए कई तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो उनके फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इस पूरे मामले को लेकर वेस्ट बंगाल और झारखंड में इसको लेकर रेड चल रही है। ईडी इस मामले में प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन्होंने मामला दर्ज किया, क्योंकि घुसपैठ के मामले में पैसों का लेन देन भी हुआ, ट्रांजेक्शन भी हुआ है, जिसको लेकर ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब जो 8 से 9 लोकेशंस है वेस्ट बंगाल के, इसके अलावा जो झारखंड के जो लोकेशंस हैं और जहां पर इस पूरे मामले को लेकर बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर देश के प्रधानमंत्री भी अपने हाल ही के दिनों में चुनाव कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने सवाल उठाया था, उसके बाद कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बांग्लादेश मामले को लेकर इस पूरे इश्यूज को भी उठाया था और उसके बाद जिस तरीके से आज जो है मंगलवार की सुबह से ईडी की जो रेड चल रही है कुल 2 स्टेट में 70 लोकेशन पर, तो कहीं कहीं ईडी के अधिकारियों का यह मानना है कि उनके पास एक पूरा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, इनपुट है, जिस बेस पर इस पूरे जो रेड को कंडक्ट किया जा रहा है, इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं ईडी ये मान रही कि उन्हें एक बड़ा मतलब बड़ी कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि एक लंबे समय से, काफी समय से जो झारखंड है वहां पर बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको घुसपैठ कराने की हमेशा कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाकायदा पूरा झारखंड के बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पर रखा गया है, उनकी किस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स और जो भारत से जुड़े हुए जो सरकारी दस्तावेज है वो बनाने, कई लोगों की वो बनाने की कोशिश की गई, कई लोगों के पास वो दस्तावेज मिले हैं, वो कैसे उनके पास पहुंचे और खासतौर से इन सब में जो महिलाएं ज्यादातर तौर पर महिलाओं को बांग्लादेश से हिंदुस्तान में लाई गया, उसके बाद यहाँ पर झारखंड और वेस्ट बंगाल पहुंचाया गया, ये पूरा रूट क्या है, किस बॉर्डर से इनको एंट्री कराई गई, कैसे ये पूरा नेक्सस है, इस पूरे मामले को लेकर ईडी इस वक्त अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन।